राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। नागदा पुलिस प्रशासन की थाना सीमा को लेकर पटना के अर्जुन की लाश झूलती हुई मिली। मामला ये है कि अर्जुन पिता गनोरी बिंद निवासी पटना समदा पीओ दहिया पालीगंज पटना बिहार का होकर गुजरात में मजदूरी करता था। शनिवार को ट्रेन में सफर कर अपने घर बिहार जा रहा था, तब ट्रेन से नागदा के बनबनी रेलवे ट्रैक पोल क्रमांक 69924 पर गिर गया और बेहोश हो गया। तभी वहां मौजूद रेलवे कर्मचारी बलवंत सिंह ने गेट पर मेमो दिया और 108 को सूचना कर सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टर संजीव कुमरावत ने मरीज का प्राथमिक उपचार कर दिया। इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। तभी डॉक्टर के द्वारा आधार से पता फोन नंबर निकालकर परिजनों को खबर दी गई और थाना मंडी को तहरी दी गई। तो थाने से कहिया कि रह मामले जीआरपी का है। गौरतलब है कि तीन थाने वाले सुनने को तैयार नहीं। तभी डॉक्टर ने पुलिस के आला अधिकारी से बात कर सारा मामला संज्ञान में लिया। ये कौन है जिनकी डेथ हुई है? इनको हमारे जीजा लगते हैं। आपके जीजा लगते हैं, क्या नाम है इनका? अर्जुन बीन नाम है सर। अर्जुन बीन। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? ये तो सर घर पे थे। घर पे सर? घर कहाँ? मतलब समदा पड़ता है सर, पालीगंज पटना। पटना में? पटना सर पड़ता है और पालीगंज सर। अच्छा, कैसे क्या हुआ इनके साथ, क्या हादसा हुआ? इनको हादसा हुआ है सर कि सर हम लोग सर अहमदाबाद से आए थे, तो मैं सुबह सर नागरा जंक्शन से उतरा, मैं इनको चाय वगैरह कुछ भी खिलाया था सर। मैं पूछा कि ये कैसे घटना हुआ, तो उन्हें बताया सर कि मैं लैट्रिन गया था सर, और मैं लैट्रिन से आ रहा था तो मैं दरवाजे पे मैं थोड़ा आका खड़ा हो गया सर, और दरवाजे से मैं सर फेंका गया, बाहर हो गया। अच्छा, दरवाजे के साथ सर बाहर हो गया। अच्छा, और इतना ही में सर मैं नर्स में बोला मैडम को सर मैं हम लोग आ गया हम दवा से, उनके परिवार हूँ तो थोड़ा सुई दवाई उसको करवाओ। तो फिर मैडम गया पानी का बोतल लेने गया और दवा लेने गया, इंजेक्शन दिया, एक्सपायर कर गए सर। अच्छा, एक्सपायर? हाँ सर, यही है। अच्छा, बिहार के कोई व्यक्ति है जिनकी डेथ हो गई है रेलवे से कट? जी, तो परिजनों का ये कहना है कि सुबह से डेथ हुई है और अभी 4 बज चुके हैं और अभी तक पीएम नहीं हुआ, क्या कारण है डॉक्टर साहब? नहीं, वास्तव में पोस्टमार्टम करने के लिए पुलिस थाने के द्वारा फॉर्म दिया जाता है, उसके आधार पर हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। मैं 10:30 बजे से जब से इनकी मृत्यु हुई है तब से लेके मैं लगातार खुद प्रयासरत हूँ। पर्सनल रूप से मैं जीआरपी थाने पे भी गया, पर्सनल रूप से मैंने तीनों थाने के टीआई साहब से बात की, माननीय एसडीएम साहब से बात करी, सीएसपी साहब से बात करी। तो ये कहना गलत है कि हमारी तरफ से कोई गलती हो रही है, हम तो तैयार है पोस्टमार्टम करने के लिए, अभी भी तैयार है। तो क्या कारण क्या है? ये थानों में उलझ रहा है मामला, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो बोल रहा है उसके थाने का है, वो बोल रहा है उसके थाने का है, वो बोल रहा है उसके। एक्चुअली डेथ कैसे हुई डॉक्टर साहब, कैसे क्या हुआ है? अब वो मतलब रविवार की सवेरे 108 के द्वारा लाया गया था कि ट्रैक पे पड़ा हुआ मिला है वो, तो जब और 108 ने यहाँ ला के छोड़ दिया, उसके साथ में कोई भी नहीं था, तो उसके हिसाब से नंबर वगैरह मिले, फ़ोन नंबर, तो हमने हमारे स्टाफ ने उसके परिजन से बात की, तो मालूम पड़ा कि रहने वाला बिहार का और गुजरात में काम करता है, और ये ट्रेन से जा रहा था, तो निश्चित रूप से ट्रेन के डिब्बे कहीं बैठा होगा तो नींद के झोंके में वो नीचे गिर गया, तो सर में चोट वगैरह आई थी। तो कल उनके परिजन से बात हुई, उनने कहा हम लोग पहुँच रहे हैं, आज सुबह वो आ भी गए थे और उनके आने के 1.5 घंटे बाद मरीज के साथ में भी रहे, उसके बाद में मरीज की मृत्यु हुई। तो 10:30 बजे से लेकर अभी तक मैं खुद व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहा हूँ कि इसका पोस्टमार्टम हो जाए। मतलब कुल मिलाकर पुलिस की लापरवाही है कि वो अपना थाना अंतर्गत नहीं बताते। निश्चित रूप से थोड़ा सा ये मानवीय संवेदनाओं का भी मामला है कि मृत शरीर के साथ में, भाई अब जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं तो यहाँ का हूँ मैं, पर अगर उन्हें थाने का कोई पोस्टमार्टम होता है तो मतलब बिना किसी झिझक के एक 10 मिनट में चल जाता हूँ। या खाचरों, तो कई ऐसे सैकड़ों पोस्टमार्टम होंगे जो उन्हें थाने के मेरे द्वारा किए हैं, या खाचरों थाने के सैकड़ों पोस्टमार्टम ऐसे जो मेरे द्वारा किए गए, तब हम लोग तो नहीं बोलते कि हम इस थाने के डॉक्टर नहीं है। नागदा से राकेश कानूनगो की रिपोर्ट पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।